ऐसा उपचुनाव जीते हैं जिस उपचुनाव में पूरे देश के नज़र में और ये पार्टी को कामयाबी मिली है, ये आप सब लोग और आपके साथ आप सैनिकों को साथी हर समाज हर वर्ग के लोग ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और चुनौतीपूर्ण समय में जहाँ सरकार का पूरा दबाव था, चार साल भाजपा की सरकार के बचे हैं, बावजूद उसके सब लोगों ने एकजुटता दिखाई। और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ मुरारी मीणा जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, हमारे प्रमुख प्रमुख मंडल अध्यक्ष, तमाम जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे, पहले दिन से आप लोगों ने एकजुटता दिखाई और जिस ताकत के साथ तमाम दबाव भी आए हैं मैं जानता हूँ पुलिस के, प्रशासन के, सरकार के, सामाजिक दबाव, बावजूद इसके आप लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया है, मेरी बात सही है कि उपचुनावों में जो परिणाम पूरे प्रदेश में आए वो हमारे पक्ष में नहीं रहे, उसका जो मंथन करेंगे आगे क्या करना है, लेकिन दौसा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा से जो ये पार्टी की जीत हुई है इसका श्रेय मैं आप सब लोगों की मेहनत को देना चाहता हूँ। शर्मा जी कह रहे थे कि आने वाले चार साल में सबको साथ लेकर चलें, समाज में 36 कौम के लोगों को जोड़कर रखें और दौसा विधानसभा क्षेत्र दौसा जिले के लिए जो भी संघर्ष करना होगा हम सब मिलकर करेंगे। इस क्षेत्र ने दशकों तक हम सबका सहयोग किया, पार्टी का गढ़ रहा और आप सब ने आज ये वास्तव में साबित किया है कि देश में जो नाम दौसा का है और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो कितना मजबूत है, जड़ें कितनी मजबूत हैं और आप सब के